नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज की कुछ मुख्य समाचार। सरकार कर रही वादाखिलाफी, ग्राम प्रधान अपने निजी पेपर चला रहे गौशाला, आदर्श गौशाला चला रहे ग्राम ध्वनि के ग्राम प्रधान। झांसी जनपद के मोट तहसील के विकास खंड चिरगांव के भवानी के ग्राम प्रधान बलवंत सिंह किरेदार गांव में एक आदर्श गौशाला चला रहे हैं। इनको 1900 गांव हैं, उनके देखरेख की गौ सेवक रखे गए हैं। खाने के लिए भूसा के अलावा 60 बीघा के निजी खेत में चारा बोए हैं। शासन में कोई इमदाद प्रधान को नहीं मिल रही है। शासन ने जो धनराशि देने का वायदा किया वह नहीं दी जा रही है। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान गौशाला विधिवत रूप से चला रहे हैं। एक आदर्श गौशाला और इसकी व्यवस्थित कर चलाने वाले ग्राम बलवंत सिंह को सभी जगह प्रशंसा हो रही है। साथ धवानी के प्रधान श्री बलवंत सिंह किलेदार जी हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। प्रधान जी, ये बताइए, ये गौशाला जो आपने बनवाई है यहाँ पे, तो ये गौशाला आपने स्वेच्छा से बनवाई या सरकार के द्वारा आपको? गौशाला सरकारी है, सरकार की इच्छा से बनी है और मेरी बहुत दिलचस्पी थी इसको बनाने में। आज भी मैं दिलचस्पी से गौशाला को चला रहा हूँ और तन मन धन सब कुछ इसमें अर्पण कर दिया। जीवन भर की सारी कमाई इसमें लगा दी। सरकार जिसमें धोखाबाजी कर रही है, सरकार का सीधा सीधा धोखा देना है। सरकार ने 30 रुपये प्रति जानवर प्रतिदिन देने का वादा किया, जियो भी आ गया, लेकिन सरकार ने कुछ समय तक पैसा दिया और सरकार ने अभी इस समय 9 माह से सरकार ने पैसा नहीं दिया है। सरकार पैसा देने में लापरवाही कर रही है, जिससे व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा गई हैं, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। हमारा पैसा नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद पैसा नहीं आ रहा है गौशाला का। सारे प्रधान परेशान हैं, कुछ कुछ प्रधान तो गाय छोड़ने की बात रख रहे हैं, कुछ प्रधानों ने गाय छोड़ रखी हैं, सारी व्यवस्था फेल हो गई। किसान परेशान होने लगा है, किसानों की बहुत सुविधा मिल गई थी किसानों को, किसान अन्ना जानवर से हमारा, हमने अपना जो है 22 गांव को अन्ना जानवर से मुक्त कर दिया था। 22 गांव को, 22 ग्रामों के गांव के जानवर इसमें अन्ना जानवर हमने घेर रखे थे और इस समय हम भी अभी थोड़े थोड़े कल से हम चला रहे हैं और छोड़ने के मूड में हम भी हैं। शायद कल तक या परसों तक हम भी छोड़ देंगे सारे जानवरों को। ऐसा क्यों प्रधान जी, ऐसी क्या मतलब, इनके खाने पीने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता है, 30 रुपये प्रति जानवर आता है। 45 तो वर्कर लगे हैं जिनकी वेतन अपनी जेब से दे रहे हैं। एक आदमी को, लेडीज को 6000 रुपया देते हैं, एक पुरुष को 7500 रुपया तनख्वाह मिलती है। जो 24 घंटा रहते हैं उनको 12000-12500 रुपया वेतन देते हैं, तो कुल मिला के 45 आदमी की 3.5 लाख रुपया मंथली वेतन बनती है। 60 बीघे में जमीन में हरी घास बो रखी है, वो अभी अभी बस कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे चारे की व्यवस्था फेल होने जा रही है। अच्छा, तो ये 60 बीघा जमीन है जो मतलब पर्सनल है या? पर्सनल जमीन में बो रखी है, ज्वार बोई हुई थी तो उसको हरी हरी घास हमने अभी खिलाया है, सारे जानवरों को खिला रहे थे अभी तक, अब लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। तो इसलिए जब तक घास चलेगी तब तक जानवर रखेंगे, इसके बाद जानवरों को हम छोड़ देंगे। घर बाट की व्यवस्था भी बना रखी है हमने, रोजाना हम कम से कम 2-3 ड्राम में बाट खिलाते हैं, तो एक दिन में कम से कम 3-4 क्विंटल दाना लग जाता है। और 1900 गाय है हमारे पास, सबको इतनी जो इच्छा से हम दाना पानी गुड़ सब कुछ खिलाना चाहते हैं, लेकिन जो तन मन धन जितना था अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मन भी नहीं लग रहा है काम करने में। सरकार नहीं चाहती है कि आदमी दिलचस्पी से काम करे। सरकार का क्या रुझान है, क्या चाहती सरकार, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार ने बहुत तादाद से ज़्यादा परेशान करके रखा है। अब एक ही बस मकसद है, इस गाय गौशाला को बंद करके अपना कुछ का निजी घर का काम कुछ करेंगे, जिससे हम अपना घर का आजीविका चला सकें। हमारी आजीविका भी ख़त्म हो गई इस गौशाला के चक्कर में। एक दिन में 1900 जानवरों को 150 क्विंटल भूसा लगता है, 3-4 क्विंटल दाना लगता है। देखिए भूसा घर पर लगाइए, इतना बड़ा भूसा घर हाथी काय भूसा घर बनाया है महाकाय। इसमें अपनी जेब से मैंने पैसा लगाया है, पूरे भूसा घर में 1 रुपया सरकार का ऐसा नहीं लगा है। पूरा टीन सेट मैंने अपनी जेब से बनाया है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। मैंने अपनी जेब से पैसा लगा कर इस गौशाला को बनाया। मैंने मात्र 28 लाख रुपया गवर्नमेंट से लिया है, सरकार का मात्र इसमें 28 लाख रुपया लगा है। इसकी लागत 1 करोड़ रुपया है गौशाला की। मैंने जेब से पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपया से ऊपर मेरा भूसे का पैसा हो चुका है। 1 करोड़ 7 लाख रुपया करीब हमारा
नौ माह का पैसा बनता है, अभी सरकार के ऊपर आ रहा है। ऐसा हर प्रधान का समस्या है, बिल्कुल इसी पोजीशन में जी रहे हैं सारे प्रधान। और किसी प्रधान का 4 लाख रुपया है तो किसी का 10 लाख रुपया है, किसी का 20 लाख रुपया, जैसा गौवंश है उसी हिसाब से सबका पैसा बन रहा है और सारे प्रधान परेशान हैं। इसलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने गायें छोड़ रखी हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लाख गाय रखे हैं, नामचार के लिए गौशाला चला रहे हैं, लेकिन गौशाला नहीं चल रही हैं। हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी ऐसी चलती रहे, लेकिन सरकार ऐसा चलाना चाहते हैं अगर शासन प्रशासन के लोग, तो गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय से पैसा भुगतान करते रहें तो गौशालाएं चलती रहेंगी, न तो फिर वही अन्ना जो मुक्त अभी जो हमारा प्रदेश होने जा रहा था, फिर से अन्ना जानवर घूमेंगे हमारी सड़कों पर, रोज़ एक्सीडेंट होंगे और विश्वास ख़त्म हो जाएगा प्रधानों का। विश्वास जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सरकार अगर ऐसा ही करती रही तो प्रधानों को विश्वास हट जाएगा और प्रधान गौशालाओं से गायों को निकाल देंगे, इस हिसाब से गौशालाएं नहीं चल पाएंगी। मैं बलवंत सिंह किलेदार, प्रधान भवानी, चिरगांव ब्लॉक का प्रधान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष, मैं ग्रामवासियों को व क्षेत्रवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएँ मेरी ओर से।